संख्या में यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं पहली बार महाराष्ट्र के। पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं है, मुंबई की सभी धर्मों की महिला वो इस ग्राउंड के अंदर मौजूद है। अगर आप देखो तो इस YMCA ग्राउंड मदनपुरा के अंदर जो चार रस्ते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतों का हुजूम आपको दिख रहा है। वो लता तुम्मा है, वो अजंता यादव है, वो राखी यादव है, तमाम मज़हब की औरतें इस प्रोटेस्ट में आ रही है, क्योंकि महिलाओं का ये प्रोटेस्ट है और इनकी एक ही मांग है, जो आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों ने ली, उलमाओं ने ली, संतों ने ली, साधु ने ली, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर ने लिए, वो आज के दिन के लिए नहीं ली थी। उनका सपना ये था कि ये मुल्क आज़ाद रहेगा, इसकी गंगा जमनी तहजीब रहेगी और हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ने समान अधिकार दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है। आज बहुत खुशी की बात है कि मदनपुरा के अंदर YMCA ग्राउंड के अंदर जो मुंबई सिटीजन फोरम ने ये प्रोग्राम महिलाओं का ऑर्गेनाइज किया है, ये 100% नहीं 1000% सक्सेसफुल प्रोग्राम है। ये महिलाओं की आवाज़ और जहाँ महिलाओं की आवाज़ उठती है वो बहुत बड़ा इनकलाब लाती है। सर, ये कानून तो अभी लाया गया है, अगर मैं बात करूं इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार में ही मुंबई के अंदर दो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या पहले से तय था कि इस तरीके का कानून लाना है? जो डिटेंशन सेंटर की बात थी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि ये जो डिटेंशन सेंटर है जो बना है न्यू बॉम्बे, वो सिर्फ 38 आदमी को रहने के लिए वो डिटेंशन सेंटर है। और ये जो ड्रग के जो डीलर्स है, जो फॉरेन नेशनल है, जो पकड़े जाते हैं, उनकी सजा पूरी होती, उनको देश में वापस भेजने के लिए डिटेंशन सेंटर है। मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर CAA NRC NRP इसको लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, देश जो है, जो देश का जो GDP है वो गिरता जा रहा है, महाराष्ट्र के पूरे भारत के अंदर एक केंद्र सरकार को राज्य चलाने के लिए जो है 27,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है, मगर मोदी जी के खाते में सिर्फ 11,000 करोड़ आए हैं, अभी भी 16,000 करोड़ की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े क्या मोदी जी जमा पाएंगे? जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो मंदी है उसका मुद्दा, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है जाए, इसको लेकर ये मुद्दे चलाए जा रहे हैं। मेन मुद्दा इस देश का बेरोजगारी का है, किसान का है, मेन मुद्दा जो है नौजवान का है, उस मुद्दे पे लोगों का ध्यान न जाए, उसका ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे दूसरे सामने लाए जा रहे हैं। RSS की जो नीतियाँ पहले से रही है, ब्रिटिश काल से रही है, क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की नींव रखने की तरफ ये एक कदम है? ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, ये देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, उनका देश है। संविधान के अंदर हम भारत के लोग ये लिखा हुआ है। ये देश हर मज़हब को मानने वाले का, हर प्रांत में रहने वाले का देश है और उसी तरह से रहेगा। जी बताइए, आज यहाँ पे पहली बार है मुंबई के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा हुई है और एक कानून को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दो दिन पहले ये सोचा गया कि क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में औरतें बाहर निकली हैं, आप देखिए दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में औरतें हैं, पूरे हिंदुस्तान में है, तो यह तय हुआ कि इवन बॉम्बे में करना चाहिए, मुंबई में करना चाहिए। तो दो दिन पहले हमने इसके बारे में मीटिंग ली तो मालूम पड़ा कि हमारी महिलाओं को ज़्यादा उत्साह है, बड़े जोश में है, वो चाहते हैं कि हम लोग आना चाहते हैं। आप देखिए कि अभी टाइम पूरा हुआ नहीं है, पूरा ग्राउंड भर चुका है और आधी औरतें बाहर हैं, अब 10 बजे तक तो बहुत सारी औरतें और आने वाली है, तो इतिहास बनेगा, इतिहास, एक क्रांति शुरू होगी मुंबई से जी, ये क्रांति शुरू होगी। और ये तय हो चुका है कि इसके बाद का जो होगा वो शाहीनबाग की तरह होगा, एक बार बैठ गए तो 2 महीना उठेंगे नहीं यहाँ से वो, क्योंकि ये बहुत गलत कानून है और गवर्नमेंट चाहती थी कि ये कानून के ज़रिए मुस्लिम को और हिंदू को अलग अलग कर दे और लोगों को जाहिर करे कि हिंदू के फेवर में हमारे खिलाफ है, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं कि ये कानून हिंदू के भी खिलाफ है, हमारे भी खिलाफ है, सब एक हो चुके हैं, वो चाहते थे अलग करना, हम लोग साथ हो चुके हैं। आज देखिए हर कौम का स्टूडेंट रास्ते पर है, वो पूरे हिंदुस्तान में है, चाहे फार्मर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, लड़के लड़कियाँ हो, महिला हो, आदिवासी हो, दलित हो, हमारे फार्मर्स हो, सब रास्ते पर है। और ये मामला शुरू हुआ है, लगता है 2-3 महीने में तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी वजह से आग लगेगी, आग, इतना गुस्सा है लोगों में। हमारा प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम को हमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं सबको गुजारिश है कि
प्रोटेस्ट कर रही है एनआरसी का सीएए अगेंस्ट, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये महिलाएं जो है देश का मेन बेस है। आज महिलाएं मजबूर हो गई हैं उतरने के लिए, क्योंकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है और देश टूटने पर है। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाने के लिए आज महिलाएं रोड पर आई हैं।